डीआईजी पारस्कर पर आरोप लगाने वाली मॉडल से बात की हमारे संवाददाता ने। पीड़ित मॉडल का यह कहना है कि उसके पास पारस्कर के खिलाफ पक्के सबूत हैं। सुनिए क्या कहना है एक आईपीएस अधिकारी पर बलात्कार लगाने वाली का आरोप लगाने वाली एक मॉडल का। सुनील पारस्कर के खिलाफ मैंने एफआईआर की है और जो मॉलेस्टेशन एंड रेप का केस है, और मैं मीडिया के सामने इसलिए आई हूँ कि अभी रिसेंटली जो उन्होंने अपनी बेल के लिए एप्लीकेशन दिया, उस एप्लीकेशन में सबसे ऊपर पहला पॉइंट उन्होंने डाला है कि ही हैज़ अरेस्टेड मी। उनका कहना है कि उन्होंने मुझे स्कॉट सर्विस में अरेस्ट किया था और उस चीज़ का बदला लेने के लिए मैं उन पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही हूँ। तो इतने बड़े ऑफिसर हैं, उनसे उन्हें ये नहीं पता कि जब अरेस्ट करते हैं तो किसी कोर्ट में पेश किया जाता है और केस चलता है, तो उनसे ये जाकर कोई पूछे कि कौन सी कोर्ट में उन्होंने मुझे अरेस्ट करके प्रेजेंट किया है और कौन सी कोर्ट में इस तरह का केस चल रहा है। इनफैक्ट वो एक झूठा आदमी है, बहुत सारी नौटंकी और बहुत सारा ड्रामा करेगा, कोशिश करेगा मुझे बदनाम करने के लिए, क्योंकि उसको अपने आप को बचाने के लिए कोई सबूत नहीं है, वो खुद को बचा नहीं सकता है। तो मेरी इज्जत को सरेआम नीलाम करने पर तुला हुआ है, वो फोर्स कर रहा है कि मैं किसी तरह से मीडिया के बीच आ जाऊँ, मीडिया को अपनी शक्ल दिखा दूँ, मगर ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे पास बहुत सारे एविडेंस हैं और मैं ये सारे एविडेंस लेकर कोर्ट जाऊंगी और इंसाफ मांगूंगी। माना जा रहा था कि पिछले एक साल से आप उनके कांटेक्ट में थे, किस तरीके से ये जो फ्रेंडशिप थी? मैं ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं थी, मैंने मैसेजेस कुछ किए हैं, उनकी तरफ से मैसेजेस आते हैं, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून। वो एक सीनियर ऑफिसर है तो ऑब्वियसली मैं उसका रिप्लाई दूंगी। और मैं उनसे किसी गार्डन में नहीं मिली थी, मैं एक केस के दौरान उनसे मिली थी, और केस के दौरान जब मैंने एक केस किया था और जिस केस पर एक ऑफिसर थी मनीषा नलावड़े, जब वो काम नहीं कर रही थी तब मुझे उसके सीनियर ऑफिसर के पास जाकर बार बार मिलकर कंप्लेन करनी पड़ती थी कि सर ये काम नहीं करती है। मनीषा ने और सुनील पारस्कर ने मुझ पर बहुत सारा प्रेशर डाला, मुझे अपने पावर और अपनी पोजीशन का उन्होंने मेरे साथ गलत इस्तेमाल किया। मेरे पास जो सबूत हैं वो बोलेंगे, मैं नहीं बोलूँगी। बिल्कुल, तो जैसे कि बोला जा रहा है कि कई बार आपके साथ में उन्होंने मिलने की कोशिश की और कितने बार आपके साथ में वो दुष्कर्म करने की कोशिश की, और ये दो बार का इंसिडेंट है और वो FIR में मैंने लिखा हुआ है। और जबकि उनका ये कहना है कि वो मुझे सिर्फ दो बार कॉफ़ी शॉप में मिले हैं, तो अगर वो सिर्फ दो बार मिले हैं तो साबित कीजिए, अगर मैं उनसे ज़्यादा बार मिली हूँ तो मैं साबित करूँगी। पिछले कई महीनों से आपको शायद टॉर्चर या फिर मिलने के लिए कह रहे थे, तो आपने अब क्यों आए? मैंने इतने दिनों से किसी से कुछ बताया नहीं था, उस वक्त ये एडिशनल कमिश्नर होते थे, और मैंने कुछ दिनों पहले अपने एक रिलेटिव से बताया एंड शी सेड कि आप और मैं हम चल के कंप्लेन करते हैं। जिस वक्त हम कंप्लेन करने के लिए CP के ऑफिस के बाहर बैठे, उस वक्त उसके एक दिन पहले से मुझे बहुत सारे कॉल्स आए, मुझे रोकने की कोशिश की गई, मुझसे ये कहा गया कि आप जाकर कंप्लेन ना करें, और उसके बावजूद मैंने कंप्लेन किया।